तो अब मैं आपको गोवा टूर कराता हूँ। मैं इसने मतलब डेकोरेट कर रखा है, देख लो कितना ज्यादा डेकोरेट कर रखा है। अच्छे से बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सो व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब। और पीछे देख रहे हो मेरे पेड़, मैं हूँ गोवा में इस टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लान नहीं बन पाया, मैं आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं बता पाया व्लॉग में कि मैं गोवा आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको गोवा का टूर कराता हूँ, मैं कैसे कैसे यहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ, अभी कुछ सामान लेना है मेरे को। तो गाइस अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से 20 पीसेस ले रहा हूँ मैं अभी मालदा के, और बाकी चिप्स वगैरह लेता हूँ। और क्या अगर ज़्यादा ले लूँगा, मैं सोच रहा हूँ पूरा लेने के लिए, बस पूरा लेने के लिए मेरे को बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, बच्चे कहोगे, और मेरे में भी इतना टाइम नहीं है, मेरे को और काम भी है। तो अभी देख रहे हैं 20 पीस ही ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम। जोकिंग, मैं आज कहीं नहीं गया, मैं देहरादून ही हूँ। मैं मतलब मौसम को देखते हुए, जैसे हमारा देहरादून बहुत तगड़ा ही लगता है, गोवा ही लगता है, तो मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मैं गोवा आया हूँ। हैं, तेरे को भी गोवा लगता है? तो गाइस अभी मैं आया हूँ, आज मेरा बर्थडे है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख के पता ही चल गया होगा, थोड़ा सा मैंने क्लिक बेट करा है उसके लिए, तो चला लेना काम। तो अभी मैं कुछ सामान लेके आया हूँ, इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अभी तो यहाँ 2-4 हैं, और आगे जाके जितने मिलते हैं मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और इनके साथ अपनी हैप्पीनेस और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ जैसे मेरे को देखो होता है, मैंने फर्स्ट न्यू ईयर पे भी ऐसे करा था। भैया हाँ फिर ठीक है, अंकल बोल रहे हैं मेरे को। हाँ तो बच्चे को हाँ जब बच्चों को लग गया सब लूट लेंगे। हाँ लूट लेंगे, कोई नहीं, कितने ज्यादा मत। अबे अबे साले भाई, शूटिंग चल रही है यहाँ। तो गाइस मैं जैसे बोल रहा था, अभी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब मौसम एक बार देखो क्या सेक्सी हो रखा है। आ जाओ छोटो, क्या लो क्या कर रहा है यार? रुक जाओ, आराम आराम से एकदम फाड़ दे, खाने मत लगे ना। चलो तो चलो आगे चलते हैं अभी। तो गाइस देखो मैं ऐसे नहीं ज्यादा शो ऑफ करूंगा, मेरे से देखो जितना होता है, देखो मैंने उनको एक फ्रूटी दिया और एक चिप्स दिया, 10-10 रुपए के हैं। देखो मैं ऐसे नहीं ज्यादा शो ऑफ करूंगा, जितना मैं कर सकूंगा ना मैं उतना ही करूंगा, ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं दिखाऊंगा। तुम अंकल बोल रहे? अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। तो गाइस जो जो देहरादून से नहीं है, आज उनके लिए व्लॉग थोड़ा मतलब मैं बनाता हूँ। जिस एरिया में अभी घूम रहे हैं वो है देहरादून का कैंट एरिया, ठीक है, गढ़ी कैंट का एरिया बोलते हैं इसको। तो आज देखो मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, और मैं आज व्लॉग बनाने भी निकला था बर्थडे का, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ का भी टूर करा दूँ, दिखा दूँ, ऐसे तो घूमते नहीं है। तो देखो यहाँ कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, और पीछे मेरे कैमरामैन बैठा है, और वो मतलब वो इतना पतला है कि वो मेरे पीछे दिख नहीं पा रहा है। बताओ कैब दिख रही है आपको हल्की सी? बस ये पीछे बैठा हुआ है और दिख भी नहीं पा रहा है। तो आपको मैं एक कैंट में जगह दिखाता हूँ, ये राइट में ये ग्राउंड है, यहाँ से पूरा नीचे का ना एरिया दिखता है, जो बिंदाल की पूरी बस्ती है, चकमोला वगैरह, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसी लगती है यहाँ से देखने में। तो गाइस मैंने अभी लास्ट की क्लिप देखी अपनी, तो बड़ी गंदे लग रहे हैं, मतलब मेरे बाल, तो मतलब बाल मैंने थोड़ा अभी स्मूथनिंग वगैरह कराई है, तो अभी बाल उसमें तो हवा मोड़ते हैं और कुछ ज़्यादा ही गंदे लग रहे हैं। तो अभी पीछे देखो नीचे का ये पूरा ना पूरा टॉप पे है, और पूरे नीचे देखो कैसे दिखा रहा है, ये पूरा बस्ती टाइप में बनी हुई है, ये देखो पूरी यहाँ तक। कैमरा तो मतलब जो आँखें देख पाती है, कैमरा नहीं देख पाता, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसा है। और पूरा इधर टूर लो, और ये जो पूरा ग्राउंड है ना यहाँ पर, मतलब ये एक और ग्राउंड है यहाँ पर बड़ा, पर ये वाला छोटे ग्राउंड में भी देखो उधर स्कूटी वगैरह सीख रहे हैं, वो उधर की साइड ना वो दिख रहा है आपको, स्कूटी वगैरह सीख रहे हैं। तो यहाँ पर लोग शाम के टाइम बैठते भी हैं, बाकी तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज ये आर्मी एरिया है। बाकी हवा देखो क्या मस्त चल रही है, मौसम काफ़ी तगड़ा है। तो गाइज अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या वेयर करा है, तो सबसे पहले मैंने आज इंट्रो ले लिया, बहुत हो गया, 2-3 वीडियो के मैंने दो तीन वीडियो से मैंने इंट्रो ले लिया अपना। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना।
तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो भी चुका है। तो अभी जो मैंने पहना है नीचे येलो कलर के शूज़ पहना है, ठीक है, ये बाकी मतलब कोई ब्रांडेड नहीं है, मतलब वैसे ले रखे हैं, जो बात है सिंपल सॉर्टेड रखता हूँ मैं। बाकी जो टी शर्ट है, टी शर्ट मैंने आपको बताया था कि मेरी हॉल वाली वीडियो आएगी है, तो उसमें हॉल वाली वीडियो के बाद मेरी आपको बर्थडे वाली वीडियो मिलने वाली है। तो उस हॉल वाली वीडियो में जो मैंने बताया था कि बनाना वाली टी शर्ट है H&M की, जो मैंने सरोजनी मार्केट से ली थी, सरोजनी मार्केट से ली है, और इसका कलर आप पूरा देख सकते हो, फैब्रिक वगैरह तो मतलब बहुत तगड़ी है। और बाकी नीचे मैंने ब्लैक ही डाली है, बाकी ऐसे ले रखी है। तो बताना मेरे को कैसा लग रहा हूँ मैं, और मेरे को ना इंस्टाग्राम पे भी गाइस फॉलो कर लो जाके, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी पोस्ट डाल रहा हूँ, रील्स वगैरह डाल रहा हूँ, रेगुलर पोस्ट वगैरह डाल रहा हूँ, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। बारिश पड़ रही है, देख रहा हूँ हमारे देहरादून का मौसम, तभी बोल रहा था मैं गोवा रखा हूँ यार, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है गोवा, इधर देखो यहाँ गोवा हूँ मैं, और ऊपर जाके अपना वो क्या बोलते हैं शिमला, अपना शिमला भी पास ही है यहाँ पर, शिमला से तगड़ा ही है। तो हम अपने गोवा में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आज। A few moments later. तो व्हाट्सअप गाइज, मैं आ चुका हूँ अभी हाई फाइव में। मैंने जैसे बताया आपको शाम को कहीं जाऊँगा, तो मैं आया हूँ हाई फाइव में अपने कैमरामैन के साथ आया हूँ, और मतलब ज़्यादा जाने में मैं किसी को लेके नहीं आया हूँ। तो मैंने बोला था मतलब सिंपल से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करा है, दिन में वहाँ बच्चों के साथ करा, और अभी अपना आप आया हूँ। तो बाकी हाई फाइव आपने देखा हुआ होगा, हाई फाइव का मैंने अभी दिखा दिया आपको थोड़ा सिनेमैटिक, हाई फाइव कैसा है कैसा नहीं है। बाकी एक बार मैं क्रिसमस पे भी आया था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी इसके नीचे से यहाँ से दिखाता हूँ, पूरा यहाँ से रोड दिखती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत पार्टी करते हैं और आपको मिलता रहेगा ब्लॉग में देखने के लिए, और बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या वेयर करा है। तो कैमरामैन जी लो पकड़िए, दिखाइए मेरे को। आपने अभी देखा सिनेमैटिक में कुछ कुछ दिखाया है इसने, मतलब कैमरा मैन इसने मतलब डेकोरेट कर रखा है, देख लो कितना ज़्यादा डेकोरेट कर रखा है इसने, मेरे को गिफ्ट वगैरह भी दिया, मैं आपको गिफ्ट दिखाता हूँ इसने कैसे दिया है मेरे को, इसने एक तो मेरे को दिया ये क्या बोलना बुक, ठीक है, एक ये दिया इसने टर्टल, ये पता नहीं क्या सोच के दिया मेरे को इसने टर्टल, और बाकी ये सब कुछ दिया इसने, इसमें थॉट्स मतलब लिखा हुआ है इसने अपनी तरफ से, इसने दिए मेरे को वॉच जो है एडिफाइस की, ये दिया इसने, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा करा हुआ है इसने अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना नहीं करना चाहिए था, ठीक है कैमरा मैन इतना नहीं करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा कैमरा मैन देखना है आपको, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा प्यार दो मेरे को, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा, मेरे को आज के लिए भी जितना हुआ। बाकी इसने पेंटिंग दी, आपको पेंटिंग दिखाऊंगा मैं इसकी कितनी तगड़ी तगड़ी पेंटिंग बनाता है। तो बस इसके साथ मैं अपना प्यारा सा व्लॉग एंड करता हूँ, बाकी मेरा केक है और इसने कैप भी बनाई थी, लो मैं दोबारा से कैप पहन के आपको ये व्लॉग एंड कर देता हूँ। तो गाइस होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, टूप भी निकल रहा है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अच्छे करना, मिलते सीधे बड़े बड़े में, और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है क्योंकि मैं अभी डांस कर रहा हूँ, तो मिलते सीधे बड़े बड़े में, टिल देन बाय 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 बाय, लव यू ऑल। Me about fucking stars.